नमस्कार, मेरा नाम है रवि। डिजायर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम सॉल्व देखेंगे एग्जांपल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री, यानी कि जो dy बाई dx होगा वो dy बाई dx ही होगा, पर उसकी जो पावर होगी वो एक नहीं होगी, एक से कोई और होगी। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री, तो उसके कुछ वेरियस मेथड है। आज हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी। ठीक है, पी से कैसे सॉल्व करते हैं, इसके तीन मेथड है, सॉल्वेबल फॉर एक्स, सॉल्वेबल फॉर वाई। तो पहले हम देखते हैं सॉल्वेबल फॉर पी, तो इस मेथड है उसको हम पहले समझ लेते हैं कि क्या है ये मेथड। लेट द डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो आपको दिया हुआ इस फॉर्म में हो। किस फॉर्म में? इस फॉर्म में, ए नॉट पी एन प्लस ए वन पी टू द पावर एन माइनस वन अप टू ए एन माइनस वन पी प्लस ए एन इक्वल टू जीरो। अगर आपको इस फॉर्मेट में दिया है, वेर ए नॉट ए वन ए टू अप टू ए एन इज ए फंक्शन ऑफ एक्स और वाई। ठीक है, एक्स एंड वाई के क्या होंगे, फंक्शन होंगे। अगर ये सॉल्वेबल फॉर पी है, अगर आपको पता कैसे चलेगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सॉल्वेबल फॉर पी है या नहीं? अगर वो सॉल्वेबल फॉर पी है तो हम उसको इस फॉर्म में लिख पाएंगे, पी माइनस फंक्शन ऑफ एफ वन एक्स वन, यानी कि जो ये पूरा एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई में एक पॉलिनोमियल मान ले, तो हम उसका क्या कर सकते हैं, इस तरह के फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, पी माइनस एफ वन एक्स वाई, पी माइनस एफ टू एक्स वाई, अप टू पी माइनस एफ एन एक्स वाई इक्वल टू जीरो। नाउ जो ये पूरा जो है वो क्या है, एक दूसरे के मल्टीप्लीकेशन में है, तो वी कैन राइट एवरी टर्म एज इक्वेटिंग जीरो, पी माइनस एफ वन इक्वल टू जीरो, पी माइनस एफ टू इक्वल टू जीरो एंड सो ऑन, पी माइनस एफ एन इक्वल टू जीरो। सो वी इफ आई इक्वेटिंग दिस इक्वल टू जीरो, सो आई हैव पी इक्वल टू एफ वन इफ दिस इज देन, और इफ पी इक्वल टू एफ टू और एंड सो ऑन पी इक्वल टू एफ एन। वॉट इज पी? पी इज डिवाइड बाई डी एक्स। ठीक है, पी इज डिवाइड बाई डी एक्स, सो आई पुट डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। नाउ दिस इज द फंक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, विच इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, एंड वी डिस्कस अवर प्रीवियस लेक्चर वीडियो हाउ टू सॉल्व फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। सो डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, विच दिस इज अ फंक्शन ऑफ, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, और वी कैन सॉल्व इट बाय वेरियस मेथड वी डिस्कस इन अवर प्रीवियस वीडियो लेक्चर। डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू एफ टू एक्स वाई एंड सो ऑन। जो हर जो टर्म है उसको सॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे, जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन यानी कि जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन है, उसके लिए हमें ये टर्म भी सॉल्व करना पड़ेगा, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, इस तरह से सॉल्व करेंगे। उसके बाद में जो लास्ट में जो पूरा सॉल्यूशन आएगा, इसका जो सॉल्यूशन आएगा उसको मान लेते हैं कोई सॉल्यूशन वन होगा, इसका सॉल्यूशन टू होगा, तो लास्ट में हम क्या करेंगे, इन सब का प्रोडक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने किस तरह से एक्सप्रेस किया है, पी माइनस फंक्शन एफ वन, पी माइनस एफ टू वन, सो वन, पी माइनस एफ एन। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज प्रोडक्ट ऑफ एवरी सॉल्यूशन, यानी कि इसका जो सॉल्यूशन हो इसका हो, उन सबका क्या करेंगे, प्रोडक्ट। अब यहाँ पे एक और जो इम्पोर्टेंट बात है वो यह है कि डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपको किस में दिया है, dy बाई dx, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर में दिया हुआ है। हम जानते हैं कि when we are going to solve the differential equation, the number of arbitrary constant equal to order of differential equation. First order है तो इसमें क्या कितने होने चाहिए arbitrary constant, एक ही होगा। So the given differential equation is first order, so there is only one arbitrary constant. ठीक है, अलग अलग से, यानी कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अलग से c1, इसको सॉल्व करेंगे c2, इस तरह से डिफाइन नहीं करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो c, इसको भी सॉल्व करेंगे तो c, अगर कोई है अलग थर्ड से तो उसको भी सॉल्व करें तो उसको भी क्या बोल देंगे, सी। तो दिस इज द मेथड हाउ टू इक्वेशन, सो हाउ टू डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री कैन बी सॉल्व, द फर्स्ट मेथड सॉल्वेबल फॉर पी। तो इसके एग्जांपल देखते हैं, आपको और अलग से मतलब अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसके दो तीन एग्जाम्पल करते हैं। तो देखिए, देखिए यहाँ पे सॉल्व पी स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर फाइव इक्वल टू जीरो, ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज पी स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर फाइव इक्वल टू जीरो। ठीक है, सो ये जो है उसमें पी क्या है, पी इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स, सो दिस इज नथिंग बट डी वाई बाय डी एक्स होल स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर फाइव इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे देखिए, डी वाई बाय डी एक्स यानी कि फर्स्ट ऑर्डर है, और ये जो है उसका स्क्वायर है, जो डिग्री है वो दो है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर सेकंड डिग्री। तो इसको हम फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर से नहीं सॉल्व कर सकते, तो इसको यहाँ पे इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो हमने अभी मेथड जो सीखा है वो सॉल्वेबल फॉर पी है। अगर सॉल्वेबल फॉर पी है तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है पी स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर फाइव इक्वल टू जीरो, ये सॉल्वेबल फॉर पी है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्या हम इसको लिख पाते, पी माइनस क्या लिखेंगे, एक्स टू द पावर फाइव बाई टू और पी प्लस x टू द पावर 5 बाई टू इक्वल टू जीरो, बिकॉज दिस इज अ फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज सॉल्वेबल फॉर p।
अगर ये पी से नहीं है तो हम इसको इस तरह से नहीं लिख पाएंगे। मतलब अभी हम ये यही मेथड सीखे तो आपको आसानी होगी कि भाई ये सॉल्वेबल फॉर पी होगा, पर जब जज करते हैं, जब जनरली जज करते हैं तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी है तो उसको इस तरह से हम लिख पाएंगे, ये बहुत है। नाउ इक्वेटिंग एवरी टर्म इक्वल टू जीरो, सो पी माइनस एक्स टू द पावर फाइव बाई टू इक्वल टू जीरो और p plus x to the power 5 by 2 equal to 0. Now what is p? p equal to dy by dx. So this is dy by dx minus x to the power 5 by 2 equal to 0 or dy by dx plus x to the power 5 by 2 equal to 0. So हमारे पास ये आ गया dy by dx minus x to the power 5 by 2 equal to 0 or dy by dx plus x to the power 5 by 2 equal to 0. Now पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। मान लीजिए इसको हम बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी। नाउ सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर फाइव बाई टू, सो दिस इज डी वाई एक्स टू द पावर फाइव बाई टू इंटू डी एक्स, सो दिस इंप्लाइज इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहाँ पे लिखेंगे वी हैव इंटीग्रेशन dy इक्वल टू x टू द पावर 5 बाई टू डी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे होगा x टू द पावर 2 बाई सेवन एक्स टू द पावर 7 बाई टू प्लस सी। तो ये क्या हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन जो ये a है उसका सॉल्यूशन है। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, y माइनस 2 बाई सेवन एक्स टू द पावर 7 बाई टू माइनस सी इक्वल टू 0। नाउ ये जो इक्वेशन b है हम उसको सॉल्व करते हैं, तो dy प्लस dx ये जो है dy प्लस डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स टू द पावर 5 बाई टू, सो वॉट इज डी वाई इक्वल टू माइनस एक्स टू द पावर 5 बाई टू डी एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सो वी हैव इंटीग्रेशन डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 5 बाई टू डी एक्स प्लस सी। वॉट इज दिस वाई इक्वल टू माइनस एक्स टू द पावर 7 बाई टू अपॉन 7 बाई टू, तो हो जाएगा माइनस 2 बाई 7 एक्स टू द पावर 7 बाई 2 प्लस सी, सो दिस कैन बी रिटर्न एज एक्स वाई प्लस 2 बाई 7 एक्स टू द पावर 7 बाई 2 माइनस सी इक्वल टू 0। दिस बोथ आर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी। तो रिक्वायर्ड जो सॉल्यूशन है उसको हम किस तरह से लिखेंगे, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कैन बी रिटर्न एज प्रोडक्ट ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ए एंड बी। सो द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज y minus 2 by 7 x to the power 7 by 2 minus c into y plus 2 by 7 x to the power 7 by 2 minus c equal to 0, where c is an arbitrary constant, where ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या किया, फिर से एक बार समझ लेते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन अगर सॉल्यूबल फॉर पी है तभी हम इसको इस टर्म में एक्सप्रेस कर पाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे हमने दिस इक्वल टू जीरो आइदर और दिस इक्वल टू जीरो, पी इक्वल पी इज नथिंग बट डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स टू द पावर 5 बाई टू इक्वेशन है, डीवाई बाई डी एक्स प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई टू इक्वेशन बी। तो दिस इज इक्वेशन बी, दिस इज इक्वेशन है, उसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, डीवाई बाई डी एक्स दिस इज फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसको हम इस तरह से सॉल्व कर देंगे, डीवाई इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 बाई टू डी एक्स, बोथ साइड इंटीग्रेशन लिया, ये आ गया यहाँ पे किया ये तरफ। यहाँ पे देखिए जो हमने सी लिखा है यहाँ पे भी सी लिखा है यहाँ पे, तो ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये टर्म याद रखें, मतलब लर्न करना पड़ेगा कि ये जो सी है वो क्या करेंगे, हम एक ही ऐड करेंगे सी वन सी टू नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, इन टर्म्स ऑफ डीवाई बाई डी एक्स है, ऑर्डर वन है, तो एक ही आर्बिट्री कॉन्स्टेंट होगा। सो वाई माइनस टू बाई सेवन एक्स टू द पावर सेवन बाई टू माइनस सी इक्वल टू जीरो, दिस इज सॉल्यूशन दिस। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, दोनों का क्या किया, प्रोडक्ट किया है, तो हम जो उनके जो सॉल्यूशन आएंगे उसके भी क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, तभी जाके हमें जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है उसका सॉल्यूशन फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं आगे, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे है पी स्क्वायर माइनस सेवन पी प्लस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो, ये जो है उसको क्या सॉल्यूबल फॉर पी है या नहीं, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है वो क्या है हमारे पास, सॉल्यूशन इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस सेवन पी प्लस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसको क्या हम पी माइनस जो था हमारा मेथड पी माइनस एफ वन और पी माइनस एफ टू, वेयर एफ वन एंड एफ टू आर फंक्शन ऑफ एक्सपायर, तो यहाँ पे कांस्टेंट भी हो सकता है फंक्शन ऑफ एक्स, उसको भी हम कांस्टेंट फंक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, पी स्क्वायर माइनस दिस इज नथिंग बट माइनस थ्री पी
this is minus 4p plus 12 equal to 0. So this is nothing but p minus 3 minus 4 into p minus 3 equal to 0. So this is p minus 3 p minus 4 equal to 0. इसके ऊपर से हम निकाल सकते हैं p minus 3 equal to 0 और p minus 4 equal to 0. If p minus 3 equal to 0, then p equal to 3. So what is p? P is nothing but dy by dx that equal to 3. और यहाँ पे आएगा p minus 4 equal to 0, so p equal to 4. So dy by dx that equal to 4. तो यहाँ से हम निकाले dy by dx equal to 3. So dy equal to 3dx और यहाँ पे आएगा dy equal to 4dx. तो यहाँ से निकाले integrating both side we get integration dy equal to 3dx plus c and जो यहाँ पे होगा integration dy equal to 4 यहाँ से dx plus c. ठीक है, तो इसका होगा y equal to 3x plus c और यहाँ पे होगा y equal to 4x plus c. तो इसको हम लिख सकते हैं 3x minus c equal to 0 and y equal to minus 4x minus c equal to 0. तो ये जो था जो हमने किया उसको एज अ फैक्टर्स यहाँ पे एक्सप्रेस किया इस फैक्टर इक्वल टू जीरो लेके यहाँ से आगे गए dy equal to 3dx dy equal to 4dx यहाँ पे इंटीग्रेटिंग किया दोनों साइड. तो y माइनस 3x माइनस c इक्वल टू 0 और y माइनस 4x माइनस c इक्वल टू 0 ये हमारे पास है. अब जो उसका सॉल्यूशन है द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज सो द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज कैन बी रिटन एज y माइनस 3x माइनस c इंटू y माइनस 4x माइनस c इक्वल टू 0 वेर c इज एन आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट. ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स ये जो है उसको हम सिंगुलर सॉल्यूशन भी बोलते हैं. ये मैं पहले बताना भूल गया था कि भाई जो सॉल्वेबल हो पी स्क्वायर माइनस सेवन पी प्लस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो इसको ये तो ना जनरल सॉल्यूशन है ना कोई वैल्यू रख के हमने सॉल्यूशन लिया है मतलब ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी नहीं है तो इसको हम सिंगुलर सॉल्यूशन भी बोलते हैं. तो दिस इज ऑल्सो नोन एज सिंगुलर सॉल्यूशन. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन. तो हमें अगर ये बोला जाता है सॉल्व दिस तो ऐसे भी हम यही मेथड से यूज करेंगे उसको सॉल्व करेंगे. अगर बोला जाता है फाइंड द सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन तो भी हम उसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे. ठीक है, ये बहुत ही इजी एग्जांपल था एज अ सॉल्वेबल फॉर पी है या नहीं. ठीक है, इस पूरी मेथड को समझने के लिए अब हम थोड़े से हाई लेवल के एग्जाम्पल देखते हैं. एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम फाइंड द सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ देखिए यहाँ पे दिखा है फाइंड द सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ पी क्यू प्लस टू एक्स पी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर पी इक्वल टू जीरो. तो ये जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उसका हमें क्या करना है सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है. सिंगुलर सॉल्यूशन जो है वो होता है जो जनरल सॉल्यूशन भी ना हो जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी ना हो. ठीक है, जनरल सॉल्यूशन जो हम ऑब्टेन करते हैं उसके कुछ पर्टिकुलर मेथड होते हैं पर जबकि जो सिंगुलर सॉल्यूशन है वो इस तरह से सॉल्व किया जाता है जो ना तो जनरल सॉल्यूशन के मेथड से होता है ना तो जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है उससे हम मतलब सॉल्व करते हैं या फिर उससे ऑप्टेन करते हैं. ठीक है, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है ये सॉल्वेबल फॉर पी है या नहीं ये कैसे पता चलेगा. सॉल्वेबल फॉर पी होगा तो हम उसको कैन वी रिटर्न एज अ फैक्टर ऑफ पी. ठीक है, कैन वी रिटर्न एज अ फैक्टर इन पी. तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है पी क्यूब प्लस टू एक्स पी स्क्वायर और यहाँ पे है वाई स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर पी. तो देखिए अगर आइडिया लगाए तो पैसे पता कैसे चलेगा कि कौन सी मेथड को यूज करेंगे. यहाँ से देखिए मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ पी स्क्वायर पी प्लस 2x. ठीक है, ये था हमारे पास पी स्क्वायर इक्वल टू पी प्लस 2x. अब मैं यहाँ से क्या कॉमन लिख सकता हूँ यहाँ पे वाई स्क्वायर है यहाँ पे भी वाई स्क्वायर यहाँ पी है और पी स्क्वायर है तो मैं यहाँ से माइनस वाई स्क्वायर पी अगर कॉमन निकालूँ तो मेरे पास बचेगा पी प्लस 2x दैट इक्वल टू 0. ठीक है, तो यहाँ पे होगा पी प्लस 2x इंटू पी माइनस पी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पी दैट इक्वल टू 0. यहाँ से पी कॉमन निकाले तो पी प्लस 2x और यहाँ से आएगा पी माइनस y square that equal to 0. तो जो differential equation है उसको हम as a factor in p, p minus function, p minus function, p minus function के रूप में express कर पा रहा है तो ये जो differential equation है उसको क्या बोलते हैं हम this is a solvable for p. ठीक है, और जो p cube है यानी कि higher degree है तो linear तो है नहीं या फिर first order first degree नहीं है तो इसको हम क्या बोलेंगे first order but not a first degree. ठीक है, तो इसको करेंगे solve तो क्या करेंगे p equal to 0 फिर होगा
पी प्लस टू एक्स इक्वल टू जीरो या फिर पी माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, इस तरह से करेंगे। पी वाई इक्वल टू जीरो यानी कि डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या हुआ कि y का अगर x पे x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें तो वो जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा y क्या होगा कोई कांस्टेंट होगा। यहाँ पे देखिए p प्लस टू एक्स इक्वल टू जीरो, सो p इक्वल टू माइनस टू एक्स, दिस इज नथिंग बट डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू माइनस टू एक्स। यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, डी वाई बाय पी माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, सो p इक्वल टू वाई स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। नाउ वाई इक्वल टू सी, यहाँ पे देखिए हमारे पास जो था फर्स्ट वाई इक्वल टू सी, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, डी वाई इक्वल टू माइनस टू एक्स इंटू डी एक्स, और यहाँ पे कर सकते हैं डी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। नाउ दिस इज वाई इक्वल टू सी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड तो यहाँ पे तो y इक्वल टू सी ही रहेगा, यहाँ पे क्या होगा इंटीग्रेशन डी वाई इक्वल टू माइनस टू एक्स डी एक्स प्लस सी, यहाँ पे होगा इंटीग्रेशन डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे जो वाई स्क्वायर है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं डी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर डी एक्स है तो उसको हम लिख सकते हैं डी वाई बाय वाई स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स, सो इंटीग्रेशन डी वाई बाय वाई स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस सी। सो यहाँ पे होगा y इक्वल टू सी, इसका होगा y इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस सी, और यहाँ पे होगा माइनस वन अपॉन y इक्वल टू एक्स प्लस सी। सो ये जो है उसको हम अच्छे से लिखते हैं y माइनस सी इक्वल टू जीरो, y प्लस टू एक्स माइनस सी इक्वल टू जीरो, एंड दिस इज नथिंग बट माइनस वन अपॉन y लिखे, इसके अच्छा है कि भाई यहाँ पे ले जाए तो x प्लस वन अपॉन y प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो जो पर्टिकुलर फैक्टर था उसको हमने यहाँ से सॉल्व कर दिया, तो जो डायरेक्टली जो जनरल जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है उसको किस तरह से देख सकते हैं, या फिर द सिंगुलर सॉल्यूशन इज यहाँ पे लिखेंगे द रिक्वायर्ड सिंगुलर सॉल्यूशन इज y, ये जो है y माइनस सी इक्वल टू जीरो उसका भी प्रोडक्ट करेंगे तो सो y माइनस सी इसका होगा y प्लस टू एक्स माइनस सी, और यहाँ पे होगा x प्लस वन अपॉन y प्लस सी इक्वल टू जीरो, वेर c इज एन आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये था सिंगुलर सॉल्यूशन किस तरह से फाइन करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो पी स्क्वायर प्लस टू, तो हमने एज अ यहाँ पे हमें पता चला कि जो है वो सॉल्युबल फॉर p है, तो ये हिटल एंड ट्राई रहेगा, आप सॉल्युबल फॉर p करते हैं x करके या y करते हैं, तो हमें यहाँ पे कुछ ट्राई कुछ दो स्टेप करने के बाद ही पता चलेगा कि ये सॉल्युबल फॉर p है या y है या फिर x है। एक देखते हैं और एक एग्जाम्पल, फिर हम इस टॉपिक को कम्प्लीट करके आगे बढ़ेंगे। अंदर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस एक्स वाई पी माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, इसको सॉल्व करना है, या फिर हमें कहते हैं कि फाइंड सिंगुलर सॉल्यूशन, फाइंड द सिंगुलर सॉल्यूशन, ठीक है, या फिर हमको सॉल्व करने के लिए बोलते हैं। तो ये देखिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमें यहाँ पे पता चला ये पी स्क्वायर है, ये पी है, ये कोई फंक्शन ऑफ वाई है, ठीक है। तो अगर मैं पी में पॉलिनोमियल मानूँ, एक्स और वाई जो है एज ए कॉन्स्टेंट मानूँ, तो ये क्या है, पी में पॉलिनोमियल है, तो पी इक्वल टू हम क्या फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, इसके जरिए हम जो पी इक्वल टू फाइंड कर सकते हैं, और पी इक्वल टू जो आएगा वो एक प्लस एक माइनस रूट लेंगे पी इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, उससे भी कर सकते हैं डायरेक्टली, यानी कि क्या करते हैं, इन शॉर्ट हम रूट फाइंड करते हैं जब आपको दिखाई दे कि पी स्क्वायर और पी है, यानी कि कोई पॉलिनोमियल बन रहा है पी में, तो हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। इस तरह से अगर आपको सॉल्व नहीं करना है तो आप डायरेक्टली अरेंज भी कर सकते हैं। देखिए हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एक्स वाई पी माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ओके, तो यहाँ पे मैं एक्स वाई पी को किस तरह से लिख सकता हूँ कि इन दोनों का प्रोडक्ट हो, या फिर हम मिडिल टर्म फाइंड करने की बात करते हैं, तो प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ थ्री एक्स वाई पी, ठीक है, थ्री एक्स वाई पी माइनस टू एक्स वाई पी सिक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। सो यहाँ पे कॉमन आएगा एक्स पी, तो हमारे पास बचेगा एक्स पी प्लस थ्री वाई, यहाँ से मैं कॉमन निकालो टू और साथ में वाई, तो एक्स पी यहाँ से टू निकल गया तो प्लस थ्री वाई स्क्वायर में वाई इक्वल टू जीरो, तो हमारे पास बचा एक्स पी प्लस थ्री वाई एंड एक्स पी माइनस टू वाई दैट इक्वल टू जीरो। सो ये दोनों टर्म्स हैं, हम इसको और क्या लिख सकते हैं, आइदर एक्स पी प्लस थ्री वाई इक्वल टू जीरो और
xp माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो, सो दिस इज नथिंग बट xp इक्वल टू माइनस थ्री वाई, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, xp इक्वल टू माइनस थ्री वाई, दिस इज नथिंग बट x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस थ्री वाई। यहाँ पे देखें तो xp इक्वल टू टू वाई, सो दिस इज x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टू वाई। सो यहाँ पे होगा हमारे पास dy, यहाँ पे जो y है उसको नीचे निकाल दो, y dy अपॉन y इक्वल टू माइनस थ्री बाय एक्स डी एक्स, और यहाँ पे होगा dy बाय y इक्वल टू डी एक्स अपॉन टू बाय, इस तरह से भी लिख सकते टू बाय एक्स इंटू डी एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सो इसका अगर इंटीग्रेशन करें तो हमारे पास होगा डी वाई बाई वाई इक्वल टू माइनस थ्री इंटीग्रेशन वन बाय एक्स डी एक्स। सो पहले क्या करते हैं, फाइंड करते हैं इसका सॉल्यूशन, थोड़ा छोटा लिखते हैं कि दोनों आ जाए। सो इंटीग्रेशन डी वाई बाई वाई इक्वल टू माइनस थ्री, यहाँ पर रख सकते थ्री इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स डी एक्स प्लस सी, तो इसका होगा लॉग मॉड वाई इक्वल टू माइनस थ्री लॉग मॉड एक्स प्लस लॉग सी भी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लॉग सी यूज कर रहे हैं क्योंकि लॉग है, तो इसका क्या होगा जो निकाले, तो लॉग मॉड वाई इक्वल टू यहाँ पे होगा लॉग मॉड जो एक्स है उसका क्या होगा माइनस थ्री पावर या फिर वन अपॉन एक्स क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग मॉड वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस लॉग सी। तो यहाँ पे देखिए ये जो है वाई इक्वल टू लिख सकते हैं सी इंटू वन अपॉन एक्स क्यूब, क्या लिख सकते हैं सी इंटू वन अपॉन एक्स क्यूब, तो दिस इज नथिंग बट एक्स क्यूब वाई माइनस सी इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया, अभी दूसरा सॉल्यूशन निकालते हैं इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन डी वाई बाय वाई दैट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स डी एक्स प्लस सी, इसका होगा लॉग मॉड वाई इक्वल टू टू लॉग मॉड एक्स प्लस लॉग सी, हम यहाँ लॉग सी यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये है लॉग सी, तो इसका होगा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू सी, सो वाई माइनस एक्स स्क्वायर इंटू सी इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास दो सॉल्यूशन होगा, एक ये और एक ये। नाउ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, या फिर हम लिख सकते हैं द रिक्वायर्ड सिंगुलर सॉल्यूशन इज द रिक्वायर्ड सिंगुलर सॉल्यूशन इज एक्स क्यूब वाई माइनस सी इंटू वाई माइनस एक्स स्क्वायर सी इक्वल टू जीरो, वेयर सी इज एन आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट, ठीक है, तो सी क्या है आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट है। तो हमारे पास यहाँ पे सिंगुलर सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्युबल फॉर पी, तो हमने आज देखा कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन जो फर्स्ट ऑर्डर हो बट फर्स्ट ऑर्डर डिग्री ना हो उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, उसके तीन मेथड है सॉल्युबल फॉर पी वाई, सॉल्युबल फॉर वाई, सॉल्युबल फॉर एक्स। तो आज हमने एक मेथड देखा सॉल्युबल फॉर पी, उसका कुछ एग्जांपल किए, आप खुद से भी कुछ एग्जांपल ट्राई कीजिएगा, सिंगुलर सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं उसको भी ट्राई कीजिएगा। इसमें आप ध्यान रखिए कि आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट होगा वो एक ही होगा, अलग अलग नहीं होंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर करके बताइएगा, अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद वंदे मातरम।